अरे मिसेस मल्होत्रा, मैं पहुंच जाऊंगी। हाय मॉम। हाँ हाँ पक्का। चाची, अरे आ गई तुम दोनों। कैसे चल रहा है तुम दोनों का कामकाज? आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है चाची जी। भगवान करे तुम दोनों दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और आपके आशीर्वाद ने तो असर दिखाना भी शुरू कर दिया है। चाची, हमारी कंपनी को बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है, इसीलिए हम आपके लिए ये लाए हैं। ये क्या है? 1,00,000 रुपए। हमारी कमाई का पहला हिस्सा। क्या हुआ भाई, खाना वाना लग गया कि नहीं? देखिए ना, ये बच्चिया क्या लाई है हमारे लिए। क्या? इनकी पहली कमाई का हिस्सा हमारे लिए 1,00,000 रुपए। क्या? हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ये दोनों हमारे बहू से भी बढ़कर है, हमारे बेटे और बहू से भी ज्यादा ख्याल रखेंगे हमारा। मैंने कहा था ना आपसे। हाँ, तुमने सच कहा था रक्षा। मेरी समझ में नहीं आता मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। नहीं नहीं चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे पिता समान हैं, आप दोनों को बस हमें आशीर्वाद देना है। और चाचा जी, ये मुनाफा हम लोगों ने दादाजी की दौलत से कमाया है, इस पर पूरे परिवार का हक है। बेटा, ये तुम दोनों का बड़प्पन है, वरना बाबूजी के वसीयत के मुताबिक तो ये सारी दौलत तो तुम्हारी है। हाँ चाची जी, लेकिन उस दौलत पर कमाया हुआ मुनाफा हम सब के लिए है, इसीलिए हम इसे बांट रहे हैं। हाँ चाची, और शायद आप भूल रही हैं, इस कंपनी में श्रुति हमारे बराबर की हिस्सेदार है, उसकी गैर मौजूदगी में हम सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। मैं माता रानी से हमेशा प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और यूं ही साथ इस परिवार को भी जोड़े रखो। आज तुम दोनों की तरक्की देखकर बाबूजी की आत्मा को शांति मिलेगी। उनका तो बस एक ही सपना था, ये परिवार हमेशा साथ रहे। हाँ, और दादाजी का ये सपना हम दोनों जरूर साकार करेंगे। हाँ चाची चले।